सेक्सी लुक भी आता है. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस साड़ी इज, तो एक तो आपके पास वार्डरोब में होनी ही चाहिए. आपको दिखाऊंगी वो यू नो दे स्टार्ट फ्रॉम 2000 और 2000 से लेके 10K 15K तक की साड़ीज भी मैंने परचेज की है. माय चैनल, मैं हूं अनुष्का. बहुत प्यारा वाला स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर. आज के वीडियो में फ्रेंड्स, जैसा कि आप पीछे देख सकते हो, बहुत सारी साड़ियों की शॉपिंग की है मैंने. अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने अपना एक वीलॉग शेयर किया था जिसमें भाई की रोका सेरेमनी मैंने आपके साथ शेयर की थी. तो उसी की शादी के सिलसिले में मैंने थोड़ी सी साड़ियाँ खरीदी हैं फॉर गिफ्टिंग पर्पज एंड ऑफकोर्स अपने लिए भी खरीदी हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना ये मौके का फ़ायदा उठाया जाए और मैं आप लोगों को भी रूबरू कराऊँ कि यू नो जो साउथ की सिल्क होती है, स्पेशली जो बैंगलोर में आपको वैरायटी ऑफ सिल्क साड़ीज मिलती हैं, वो आप लोगों को भी देखने के लिए मिले. आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा आज का कलेक्शन. तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आज आप पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की. आपको दिखाऊंगी कुछ ऐसी साड़ियाँ जो कि मैंने गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए ली हैं. देखिए, हर आदमी का अपना एक रेंज होता है, एक बजट होता है जिसमें आप साड़ियाँ गिफ्ट करते हो, तो हर रेंज की साड़ियाँ मैंने यहाँ पर ली हैं. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी, शुरुआत करूंगी घर की दुल्हन से. तो ये जो साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये ना प्योर सॉफ्ट सिल्क वाली साड़ी है और आप डिटेलिंग इसकी देख सकते हो. इसका जो बॉर्डर है फ्रेंड्स, आप देखिए, मैं पास से आपको दिखाती हूँ. इसमें ना टेम्पल वर्क है जो कि बहुत फेमस होता है साउथ में. मतलब मोस्टली आई थिंक बहुत सारे लोगों के पास ये साड़ियाँ होंगी भी. तो ये साड़ी मैंने उसकी पसंद से ही खरीदी है. सो दिस इज लाइक पर्पल एंड ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन. तो आई होप आप सबको भी ये साड़ी अच्छी लगी हो. एंड यू नो ये जो सॉफ्ट सिल्क होता है फ्रेंड्स, इसकी जो स्टार्टिंग रेंज होती है ना, वो 5K से स्टार्ट होके 10K 15K में जाती है. तो आपका जैसा बजट हो आप उस हिसाब से साड़ी खरीद सकते हैं. माय साड़ी, जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे ब्लैक साड़ी देखते ही ना ये बहुत अच्छी लगी थी. एंड वाई आई लाइक इट, बिकॉज देखो आप इसमें ना लोटस वाला आपको बॉर्डर दिखेगा एंड ओवरऑल इट इज ब्लैक फ्रॉम इनसाइड. तो इसका ना आप देखोगे, मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारी हैवी हैवी लुक्स वाली भी साड़ीज हैं. आई थॉट वाई नॉट ट्राई समथिंग डिफरेंट. और एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है ना फ्रेंड्स बैंगलोर के बारे में, वो ये है कि जिस शॉप से इन पर्टिकुलर मैं शॉपिंग करती हूँ, वहाँ पे आपको इतनी वैरायटी मिलेगी सिल्क की, यू विल गेट कंफ्यूज. कुछ तो नाम ऐसे होंगे जो आपने आज तक सुने ही नहीं होंगे. तो उसका मैं जो यू नो नेम है और उसका जो लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगी. क्योंकि आप में से जो लोग बैंगलोर आना चाह रहे हो या साउथ में आप नहीं जानते हो, नए हो कहाँ से शॉपिंग करनी, आप ज़रूर जाइएगा उस शॉप पे. फ्रेंड्स, यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैरायटी. सो टॉकिंग अबाउट अनदर काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ साड़ीज दैट यू गेट हियर, देखिए ये जो साड़ी है ना, इसमें खास बात ये है, एक तो ये प्लेन साड़ी है और इसमें जो बॉर्डर है वो मतलब नॉर्मल जो गोल्डन बॉर्डर्स मिलते हैं वो नहीं है. इसमें आपको जो बॉर्डर दिखेगा ना, ये सिल्वर वाला बॉर्डर है. तो उससे साड़ी की खूबसूरती और भी बन गई. फ्रेंड्स, अनदर साड़ी दैट आई एम शोइंग यू, ये भी हमने गिफ्टिंग पर्पस के लिए लिए है एंड दिस इज अ लिटिल हायर रेंज. आपको ये 5 to 10K के बीच में साड़ी मिलेगी यहाँ पर. और ये जो साड़ी है फ्रेंड्स, आप देखोगे ना इसका जो बॉर्डर है, दिस इज पटोला प्रिंट. डिटेलिंग आपको साड़ी की मैं वीडियो में दिखाती हूँ. तो ये जो इस तरीके की साड़ियाँ होती हैं ना फ्रेंड्स, ये प्योर आपका जो सॉफ्ट सिल्क होती है ना, उसमें भी वैरायटी होती है और आपको डबल शेड में ये साड़ी मिलेगी. बहुत ही प्यारी है एंड एवरी टाइम आई गो देयर, द बेस्ट थिंग अबाउट द शॉप इज कि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया खरीदने के लिए मिल जाता है. मतलब यू विल नॉट एंड अप बाइंग द सेम स्टफ एवरी टाइम, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वैरायटी होनी चाहिए. जैसा डिजाइनर सॉफ्ट सिल्क साड़ी विच आई हैव परचेज, ये मैंने अपनी सिस्टर एंड लॉ के लिए खरीदी है. और इस साड़ी की जो खूबसूरती है ना फ्रेंड्स, वो ये है कि इसमें जो है ना फ्रेंड, एक बर्ड बनी हुई है. ये बाहर
बाहर से जो है पेस्टल ग्रीन, जो पिस्ता ग्रीन कलर होता है वैसी है, एंड फ्रॉम इनसाइड देखिए इसके ऊपर लोटस है. तो दिस इज वन ऑफ द ट्रेंडिंग थिंग्स आजकल, मेहंदी डिजाइन हो, साड़ियाँ हो, हर जगह लोटस चल रहा है. सो फ्रेंड्स, अनदर काइंड ऑफ वैरायटी दैट यू गेट हियर, आपको ऐसा सेल्फ में डिजाइन मिलेगा और उसके बाद आपको इस तरीके का बॉर्डर मिलेगा साड़ीज में. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना ध्यान से, दिस इज अ पीकॉक दैट यू सी हियर, और यहाँ पे ऐसे सर्कल में बना हुआ है. और ये साड़ी का एक सिर्फ एक तरफ है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये साड़ी जो है ना, दिस इज अ डबल शेप वाला साड़ी, एंड एक्चुअली डबल नहीं ट्रिपल है, मतलब ऑरेंज टिंच भी है इसमें. तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी पहनने के बाद. एक और तरीके का बॉर्डर फ्रेंड्स जो आपको मिलेगा वो है ये जो थोड़ा चौड़ा बॉर्डर होता है, मतलब आप देख सकते हो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, और इतना चौड़ा जो है वो इस साड़ी का बॉर्डर है. अंदर से भी एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया लगे. तो ये अंदर से जो इसका कलर है ना, यू कैन सी कि इट इज गोल्डन इन कलर, बहुत ही सुंदर लगा मुझे. एक और चीज़ फ्रेंड देखिए, यहाँ पर ना जो चेक वाली साड़ीज होती हैं वो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत मिलती है. मेरे पास तो कलेक्शन में है पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ. जो लोग बहुत ज़्यादा गॉडी साड़ीज़ नहीं पहनना चाहते हैं उनके लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि एक तो बहुत ही अलग लगता है, कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है, प्लस दिस इज़ काइंड ऑफ एन ओवरऑल साड़ी, इसमें पल्लू एवरीथिंग इज सेम. तो आप इसके साथ में कंट्रास्ट ब्लाउजेस बना सकते हो, यू कैन पेयर इट अप विद ऑफ वाइट, पिंक, पर्पल, जो भी कलर है साड़ी में आप वो सबके साथ में इसको पहन सकते हो. नाउ फ्रेंड्स, अगर किसी की शादी है और आप ब्राइडल वेयर के लिए देना चाहते हो तो आई वुड रेकमेंड दिस काइंड ऑफ साड़ी. यहाँ पर एक ना टेम्पल टाइप एक आप देखोगे इसमें बना हुआ है, दिस इज गिविंग इट अ वेरी नाइस नेक लुक होता है वो इसके अंदर आया हुआ है. और ये देखिए इसके अंदर भी यहाँ पे लोटस बने हुए हैं, अगर आप पत्ती बनी हुई है लोटस बना है. और इस साड़ी को मैं ज़रूर आपको थोड़ा सा ओपन करके दिखाऊंगी सो दैट यू गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ इट, क्योंकि देखिए अंदर से ये भी डबल शेड है एंड पर्पल कलर की है. फ्रेंड्स, ये तो थी झलक आज की उन साड़ियों की जो मैंने खरीदी हैं. जल्द ही इनको पहनूंगी और भी जो मेरे रिलेटिव्स जिनको मैं गिफ्ट करने वाली हूँ ना पहनेंगे, तो उन सबकी फोटोज़ भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी. आई होप सबको ये कलेक्शन पसंद आएगा. और एक चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि अगर आप आज तक नहीं आए हो साउथ में, या आप बैंगलोर आ रहे हो, या आप रहते भी हो बैंगलोर में और आपको नहीं पता है, तो डू गो एंड विजिट पोथीज़ फ्रेंड्स. फर्स्ट थिंग इज़, मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं कर रही हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू रेकमेंड इट, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है, अगर उनको पता चलेगा तो वो वहां जाके शॉपिंग कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज एवरीथिंग इज गोइंग टू सेट इन योर बजट, आपको हर बजट में साड़ी मिलेगी. बट ऑफ कोर्स आप जितना प्योर सिल्क की तरफ जाते जाओगे ना, बजट उतना ही बढ़ता चला जाएगा. तो ये छोटी सी झलक थी सिल्क कलेक्शन की. जो मेरा सिल्क कलेक्शन है वो भी बहुत जल्दी मैं आपके सामने लाऊंगी. बट आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप आगे भी देखना चाहते हो इस तरीके की वीडियोज ना, तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा. और ये जो सारी साड़ियाँ हैं फ्रेंड्स, ये सब ना मैं जल्दी से पैक भी करने वाली हूँ, और मैंने सोचा है उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी मैं. तो चलिए, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको एक आइडिया मिला हो कि किस तरीके की सिल्क वैरायटीज अवेलेबल है. और अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाई है, आगे आने वाली वीडियोज़ में आई विल ट्राई कि मैं और भी सारी अपनी जो साड़ी कलेक्शन है वो आपके साथ शेयर कर पाऊँ. तो तब तक बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए, बाहर मत जाइए, अपना ध्यान रखिए, कोविड फैल रहा है हर तरफ, घर में रहिए, सेफ रहिए, जब ठीक हो जाएगा उसके बाद शॉपिंग कीजिएगा. तो चलिए, मिलूंगी बहुत जल्द मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड टू अनुष्का. बाय बाय.